जितनी भी संस्थाएं हैं, वे चाहे खाद्यान्न गोदाम हों, LIC के, उसके FCI के, मतलब सबको निजीकरण करना चाहती है और वो उसी लाइन पर लगी हुई है। अब उसकी नज़र देश की खेती पे है, उस पर लगी हुई है कि ये जमीन भी किसानों की छीननी जाए। देश में वे नहीं चाहते कि प्रोफेसर और इंजीनियर और वैज्ञानिक बने, अब देश में अनपढ़ लोग पैदा हों। दूध को सड़क पर आना पड़ेगा और जब पार्लियामेंट में आवाज ना उठती हो, पार्लियामेंट गूंगी और बैरी हो जाए और सड़कें सुननी हो जाए तो आंदोलन होते हैं। जब और जब सड़कें सुननी हो जाएगी तो पार्लियामेंट गूंगी और बैरी हो जाएगी, तो अब टाइम आ गया है कि अब आंदोलन का टाइम है। आंदोलन होगा तो देश बचेगा, आंदोलन नहीं रहेगा तो सब संस्थाएं जाएगी, जमीनें जाएंगी। काफ़ी लंबे समय तो केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के विद्यार्थियों वालों एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस दे विच काफ़ी सियासी आगू भी पहुँचे ने, पर हुण उत्थे किसान आगू राकेश टकैत पहुँचे ने। उत्थे पहुँच के उन्हां दा कहना है कि केंद्र सरकार सारा कुछ प्राइवेट करना चाहती है। इस तों इलावा उन्हां दा कहना है कि केंद्र सरकार नौजवानों नूं मजदूर बना के सड़कां ते लिआउणा चाहती है, जिस नूं लै के जो भी आने वाला समा है वह संघर्ष का ही होगा। इस तों इलावा राकेश टकैत का होर की कहना है, आओ तुहानूं भी सुनाउने आ। यूनिवर्सिटियां हों, वे स्कूल हों, वे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हों, वो भारत पेट्रोलियम जैसे, LIC, जितनी भी संस्थाएं हैं, वे चाहे खाद्यान्न गोदाम हों, LIC के, उसके FCI के, मतलब सबको निजीकरण करना चाहती है और वो उसी लाइन पर लगी हुई है। अब उसकी नज़र देश की खेती पे है, उस पर लगी हुई है कि ये जमीन भी किसानों की छीननी जाए। और देश में वे नहीं चाहते कि प्रोफेसर और इंजीनियर और वैज्ञानिक बने, अब देश में अनपढ़ लोग पैदा हों, पढ़े लिखों को रोजगार दें तो उनको 7-8-10 हज़ार रुपये में रोजगार करें, उनको मजदूर की श्रेणी में लाया जा रहा है, सस्ता मजदूर ये अवेलेबल करवाना चाहती है भारत सरकार और उसी की पूरी रूपरेखा तैयार हुई है। टकैत साहब, जिहड़ी लोकतंत्र है, जिहड़ा भारत दा लोकतंत्र देश कहा जांदा भारत नूं, ते लोकतंत्र जिहड़ा कि पंजाब यूनिवर्सिटी तो शुरू हुंदा, इत्थे सैनट दीआं चोणां हुंदीआं ने, पर इन्हां सैनट दीआं चोणां नूं दबाया जा रिहा है, इह की लोकतंत्र किते स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा, ये तो लोकतंत्र की हत्या देश में हो रही है। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ठीक है जी, उसकी हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र के मंदिर को दफन करा जा रहा है और आपस में झगड़ा हो और RSS और भगवाकरण देश में हो, इसकी रणनीति चल रही है। बच्चों नूं देश दा भविष्य कहा जाता है, पर अज हर विद्यार्थी के उपर परचे दर्ज किए जाते हैं, उन्होंने इंसाफ के लिए इतने तक कि अपने एक होस्टल का रूम चेंज करने के लिए भी धरने लाने पैंदे ने। यह देश की जिहड़ी दिशा हैगी है, किस तरह की हो रही है, आने वाला जिहड़ा समा होएगा किस तरह का होएगा? आने वाला समय संघर्ष का होगा, यूथ को सड़क पर आना पड़ेगा और जब पार्लियामेंट में आवाज ना उठती हो, पार्लियामेंट गूंगी और बैरी हो जाए और सड़कें सुननी हो जाए तो आंदोलन होते हैं। जब आंदोलन तो जब भी होंगे ना सड़कों पे, जो पार्लियामेंट गूंगी और बहरी हो जाती है, और वो जब होती है गूंगी बहरी, जब सड़कें सुननी हो जाती है, तो दोनों का विकल्प है। अगर पार्लियामेंट बहरी हो जाए तो सड़कें सुननी नहीं रहनी चाहिए, सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए, और जब सड़कें सुननी हो जाएगी तो पार्लियामेंट गूंगी और बहरी हो जाएगी, तो अब टाइम आ गया है कि अब आंदोलन का टाइम है। आंदोलन होगा तो देश बचेगा, आंदोलन नहीं रहेगा तो सब संस्थाएं जाएगी, जमीनें जाएंगी, निजीकरण होगा और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके हाथों में ये शिक्षा भी जाएगी, ये जमीन भी जाएगी, ये सब जाएगा उसके हाथ में। तो इसके लिए आंदोलन ही एक हुआ है, आंदोलन करना पड़ेगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों वालों काफ़ी लंबे समय तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उन्हों का कहना है कि केंद्र सरकार साड़िया यह मंगा मने तो असं यह धरना चकांगे, तो दूजे पास किसान भी दिल्ली के बार्डर से 3 खेती कानूनों लैके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हों का भी कहना है कि केंद्र सरकार यह 3 खेती कानून रद्द करे ता जो असी खुशी खुशी अपने घर जा सकी, पर हुण देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस मामले पर की एक्शन लेंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पर क्लिक करो।
बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सिद्धी गलबात ते जानो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ए प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दियां असीसां दे पात्र बनन। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।